आपके लिए ढेर सारे आदर और प्यार के साथ मैं हूं अभिषेक पारेख। किस्से कहानियों के हमारे स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। 14 नवंबर 1989 को जर्मनी में जैसे ही सवेरा होता है, लोग चाय की चुस्कियों के साथ देश की एक साप्ताहिक नामी मैगजीन वीकली वर्ल्ड टैबलॉइड, जो हर सातवें दिन आती थी, उठाते हैं और उसमें एक खबर छपी होती है। उसे पढ़कर जिसने भी जहां जहां इस खबर को पढ़ा वो बौखला जाता है। खबर पूरे देश में सनसनी मचा देती है और ये खबर बाद में पूरे विश्व में फैलती है और दुनिया जहान के लोग इस खबर को एक तरफ सच मानते हैं, दूसरी तरफ दुनिया का एक हिस्सा इसे पूरी तरह से गुमराह कर देने वाली फर्जी रिपोर्ट कहता है। पर खबर जो भी थी वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। इस मैगजीन ने खबर छापी थी कि ब्राज़ील में 1950 का एक विमान लैंड हुआ है जिसमें 92 लोगों के कंकाल हैं। आगे दावा किया गया कि ये वही विमान है जो अचानक गायब हुआ था और उड़ान के दौरान ही ये कहीं खो गया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बार बार गुम हुए इस प्लेन से संपर्क करने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। इंक्वायरी और तलाश की गई कि विमान आखिर गायब कहाँ हो गया, कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे में वक्त बीतने के साथ लोग इस विमान को उसके 92 पैसेंजर्स के साथ भूल गए। ये विमान दुनिया के किसी भी हिस्से में गिरा भी नहीं था, इसलिए ये कहाँ गायब हो गया इसको लेकर लोग सोचते थे कि विमान किसी ऐसी जगह गिरा होगा जहाँ इंसानी बस्ती नहीं हो, पर यह एक रहस्य था। आज कहानी दुनिया भर में आज तक की उड्डयन के इतिहास में घटी सबसे रहस्यमय घटना की। आज कहानी सेंटियागो फ्लाइट EWA-513 की। 4 सितंबर 1954 के सुबह में जर्मनी की यह फ्लाइट जर्मनी के सबसे पश्चिमी शहर आचन के रनवे से ब्राज़ील के पोर्टो एलगेर के लिए 92 लोगों को लेकर उड़ान भरती है। विमान अपने 4 क्रू मेंबर्स के साथ 88 नागरिकों को लेकर अपनी 18 घंटे की उड़ान भर रहा था। विमान अब अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजर रहा था। अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार का इस विमान से संपर्क टूट जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल तमाम तरीकों से इस विमान से संपर्क साधने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इस तरह से किसी विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ संपर्क से गायब हो जाना किसी हादसे का सूचक होता है। सभी को लगा कि विमान के साथ कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ है। जर्मन और ब्राज़ीलियाई बचाव दल और रेस्क्यू टीमों ने इस विमान के मलबे और यात्रियों को खोजने की हर संभव कोशिश की पर कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। हार कर बाद में जर्मनी और ब्राज़ील सरकारों ने मान लिया कि विमान अटलांटिक महासागर में कहीं हादसे का शिकार हो गया होगा और विमान के सभी यात्री अटलांटिक महासागर में डूब गए होंगे। फाइनल रिपोर्ट पेश की गई, सभी 92 लोगों को मृत मानकर इस फ्लाइट EWA-513 के लॉकहीड विमान की फाइल बंद कर दी गई। घटना को धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ ही लोग भूल गए पर ठीक 37 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को ब्राज़ील के उसी पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर एक अनजान प्लेन बिना इजाज़त उनकी वायु सीमा में घुस आया था। ये जानकारी ATC को मिल चुकी थी। ATC ने इस अनजान प्लेन से अपनी जानकारी बताने को कहा लेकिन प्लेन से कोई आवाज़ नहीं आई। ATC ने बार बार इस विमान से संपर्क किया पर वहां से कोई उत्तर नहीं आया। विमान तेजी से लैंडिंग करने के लिए पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था और नीचे कई विमान पहले से खड़े थे जिनसे ये टकरा सकता था। ऐसे में तुरंत सभी विमानों को सुरक्षित दूरी पर सेफ हैंगर में ले जाया गया और तभी एक चमचमाता हुआ विंटेज लॉकहीड सुपर कॉन्स्टलेशन एयरक्राफ्ट, जो आज के नए जमाने के प्लेन्स के सामने बहुत ही पुराना मॉडल था, वो यकायक उतर गया। ये सेंटियागो एयरलाइंस की विमान संख्या 513 थी पर यह कैसे मुमकिन था कि अचानक 35 साल से भी ज़्यादा समय से खोई हुई एक फ्लाइट अचानक लैंड करे। जबकि और हैरानी की बात तो ये थी कि सेंटियागो एयरलाइंस इस विमान के खोने के 2 साल बाद ही बंद हो गई थी।
ये देखकर एयरपोर्ट के सभी अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाजत के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। उसके बाद एयरपोर्ट के सभी कर्मचारी विमान के पास पहुंचे तो देखा ये विमान एकदम नया लॉकहीड सुपर कॉन्स्टलेशन एयरक्राफ्ट है और विमान का इंजन अभी भी चालू है। एयरपोर्ट अधिकारी सावधानी से प्लेन के पास गए और उसका बाहर से दरवाजा खोला। अंदर पहुंचते ही सभी कर्मचारियों ने एक बार बाहर की तरफ चीखते हुए दौड़ लगाई। उन्होंने जो देखा था वो किसी के लिए भी यकीन के लायक नहीं था। बाद में हिम्मत जुटाकर अंदर जाकर देखने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने देखा वो मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था, क्योंकि उन्होंने देखा कि सभी पैसेंजर्स कंकाल के रूप में अपनी अपनी सीटों पर बैठे हैं और उनके सीट बेल्ट अभी भी लगे हुए हैं। बाद में विमान के कॉकपिट में देखा तो पाया कि विमान के पायलट कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी भी कंकाल के रूप में है और उनका हाथ अब भी विमान के कमांड क्लच पर है। पहले तो इसे कंकालों से भरा कोई भूथा प्लेन माना गया, पर इसके बाद कुछ थियरी सामने आई कि जैसे हो सकता है कि ये विमान किसी और ग्रह की एलियंस के सामने पहुंच गया हो और इन्हें बंधक बना लिया गया हो। दूसरी थियोरी थी कि शायद अटलांटिक ओशन के ऊपर ये किसी टाइम ट्रेवल के जाल में खो गया होगा और रेडिएशन की चपेट में आने से ये सभी यात्री कंकाल बन गए हों। पर ये 37 वर्षों बाद कैसे उसी एयरपोर्ट पर उतरा जहाँ इस विमान को उतरना था? कैसे विमान इतने वर्षों बाद भी एकदम नया था और क्यों इसका फ्यूल खत्म नहीं हुआ और आज तक 37 साल तक इसका इंजन कैसे चालू रहा? टाइम ट्रेवल में फंसने या एलियंस ने इसे बंधक बना लिया था तो भी ये उसी हवाई अड्डे पर मरे हुए लोगों के साथ कैसे सेफ लैंडिंग कर पाया जबकि कोई जिंदा नहीं था? तो इसे कौन उड़ा रहा था? ये सभी बातें पहेली बन गई थी। वीकली वर्ल्ड टैबलॉइड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को छपी इस कहानी को छापने वाले पत्रकार थे इरविन फिशर। जब इरविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राज़ील सरकार ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी और न ही इसका खंडन किया था। आज तक कोई ये नहीं जान पाया है कि इस विमान के साथ क्या हुआ था। क्या ये सच है या झूठ? क्या इसे एक पत्रकार ने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए छाप दिया था? आज तक ये एक अबूझ पहेली है। कुछ इसे सच मानते हैं, कुछ इसे झूठ। आप क्या मानते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर हम तक अपने राय कमेंट सभी पहुंचा दीजिएगा। अगले किस्से में, अगली कहानी में फिर आपके साथ होंगे। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.